वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश गुरु स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड। और हमारे साथ सीखे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश, दिस इज सुरेश मोहर। और चलिए फ्रेंड्स, हमारे इस नए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। आप अपने नोटबुक पेन कॉपी निकाल करके तैयार हो जाए। आज से हम रिवीजन पैटर्न करते हैं, एक्टिव सेंटेंसेस को पैसे में बनाने की एक साथ हम विधि देखते हैं। जिस तरह से हमने देखे हैं सारे रूल्स, सारे फॉर्मेट को एक साथ आज एक वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से हमने बनाए हैं हमारे पैसिव सेंटेंसेस की एक सीरीज को, आज हम देखेंगे एक साथ पूरे टेंस, पूरे फॉर्मूले, पूरे रूल्स को एक साथ एक वीडियो के साथ देखने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमने बनाए हमारे पैसिव सेंटेंसेस को, हमने परिवर्तन किया है हमारे एक्टिव सेंटेंसेस के साथ में। हमने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पैसिव सेंटेंसेस बनाए हैं, और आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमने बनाए थे हमारे सेंटेंसेस को, एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में परिवर्तन किए थे। तो तैयार हो जाइए रिविजन के लिए। नोट डाउन ऑल फॉर्मूलाज और रूल्स सो दैट यू कैन गेट ऑल द रूल्स टूगेदर हियर। आज हम करते हैं पूरे टेंस के एक साथ फॉर्मूले को एक साथ रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप यहां पर देखेंगे इस वीडियो के साथ में, एक एक पेज के साथ में देखेंगे सारे टेंस को। आज हम करते हैं इनके जो रूल्स होते हैं, उनके जो फॉर्मेट्स होते हैं, उनको एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। तो आज आप एक साथ देखेंगे, गिनते जाइए कि जो हमारे रूल्स है, हमने एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बनाए थे, वो कितने तरीके से हमने यहाँ पर किए हैं। आप पेज वाइज गिनते जाइएगा। सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं हमारे पैसिव सेंटेंसेस की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के साथ भी। हम वहाँ पर करेंगे और भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स कर सकेंगे, चैट भी, और आप वहाँ पर रोज पा सकेंगे मोटिवेशनल पेजेस। तो चलिए हमारे जो पेजेस के साथ में हम शुरुआत करते हैं इस नए पेज में। टेंस के अनुसार सारे सूत्र आप एक एक करके लिख लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं जो हमारे फॉर्मूले होंगे प्रेजेंट टेंस में, हमने बनाए थे हमारे एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में। तो हमारा पहला सेंटेंस जो हमने सिंपल प्रेजेंट के साथ में हमने देखे थे, हमारे पैटर्न थे। आप अपने स्क्रीन पर एक एक करके रूल्स और उनके पैसिव के फॉर्मेट भी देखते जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह के सारे रूल्स पैटर्न्स को हमने हमारे पिछले वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप हमने पैसिव के सेंटेंसेस बनाए हैं, उनके परिवर्तन किए हैं, उनको डिटेल से समझा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट के, सिंपल प्रेजेंट का जो हमारा पहला था, उस रूल्स को हमने पैसिव बनाए थे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यू, हर तरीके से हमने इनके पैसिव बनाए। उसके बाद बनाए थे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव सेंटेंसेस बनाए हैं, एक्टिव सेंटेंसेस को उनके नियम के साथ में हमने परिवर्तन किए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, इसके बाद हमने बनाए थे प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंसेस थे उन्हें पैसिव में परिवर्तन किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस के हमारे सारे रूल्स को हम प्रेजेंट टेंस के सारे पैसिव सेंटेंसेस के बनाने के फॉर्मेट एक साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमने प्रेजेंट टेंस में तीन टेंस के साथ में हमारे एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में परिवर्तन किया था। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। अगर आपने शुरुआत से हमारे वीडियोस को देखा है तो आपके पास में सारे फॉर्मूले, सारे रूल्स अभी तक के लिखे हुए होंगे। अगर आप हमारे साथ में आज से इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे YouTube चैनल के साथ अभी से जुड़ रहे हैं, तो आप हमारे सारे रूल्स, सारे पैटर्न हमारे प्लेलिस्ट में एक एक करके देख सकते हैं, जिसके लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे रूल्स पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ये प्रेजेंट टेंस के जो फॉर्मूले थे हमने बनाए थे पैसिव। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। अगर आपने फॉर्मूले नोट नहीं किए तो आप एक साथ एक एक करके नोट करते जाइएगा। अभी हम एक साथ समझ लेते हैं हमारे फॉर्मूले को। इसके बाद जो हमने शुरुआत करी थी हमारे पैसिव सेंटेंसेस बनाने के जो विधि थी, उनके नियम थे, उनको हमने देखा था एक्टिव से पैसिव बनाने के, हमारे पास्ट टेंस के, और उनके फॉर्मेट को, उनके रूल्स को, उनको एक एक करके किस तरह से बनाए जाते हैं, कब बाय का प्रयोग नहीं किया जाता, उस तरह के जो भी हमारे टेंस होते थे उन्हें भी हमने यहाँ पर बनाया है। तो चलिए हमारे सेंटेंसेस, हम जब हमने सिंपल पास्ट का बनाया तो आपने फॉर्मेट देखा था, आपने फॉर्मूला देखा था, वर्ब के सेकेंड फॉर्म जब हमारे सिंपल पास्ट में हमें मिलता है तो उसे किस तरह से पैसिव में परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस हमने बनाए थे, हमने बनाए हैं पास्ट परफेक्ट के पैसिव सेंटेंसेस को, हेड के साथ मिलने वाले हमारे जो मेन वर्ब होते हैं उनके थर्ड फॉर्म को किस तरह से हैड बीन के माध्यम से हम वर्ब के थर्ड फॉर्म पैसिव में यूज करते हैं। हमने देखा है एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट होता है, कोई सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है, तो उन्हें किस तरह से रखा जाता है, किस ऑब्जेक्ट से हमें शुरुआत करना, पहले ऑब्जेक्ट या सेकेंड ऑब्जेक्ट है, कोई और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट से शुरुआत करना पैसिव सेंटेंसेस हमें किस तरह से आसान बना देता है। तो हमने अभी तक ये देखा सिंपल प्रेजेंट के साथ में, यहाँ से शुरुआत जो हमने करी थी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और अभी देख रहे हैं आप सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। इस तरह से हमने अभी तक के इस दो पेजेस में देखे हैं छह तरीके से हमने पैसिव सेंटेंसेस प्रेजेंट और पास्ट के माध्यम से, टेंस के माध्यम से बनाए थे। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। आप फॉर्मूले एक एक करके देखते चलिए। अभी अगले आप पूरे फॉर्मूले एक साथ देख लीजिए। जो भी आप फॉर्मूले नहीं लिख पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, उन्हें आप बराबर फिर से एक बार हमारे इस वीडियो को रिस्टार्ट करके देख लीजिएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं आज सारे फॉर्मूले
किस तरह से हमने बनाए हैं, अगर आप टेंस के रूल्स को बेहतर ढंग से जानते हैं, समझते हैं, अगर आपने रूल्स को यूज किया है, अगर आप ग्रामर के सेंटेंसेस बना चुके हैं, पेशियों के सेंटेंसेस कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप फॉर्मूले देख रहे होंगे, उन्हें बेहतर ढंग से समझते भी जा रहे होंगे। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद जब हमने शुरुआत कर दी फ्यूचर टेंस के हमारे पेशियों सेंटेंसेस बनाने की, एक्टिव सेंटेंसेस को हमने पेशियों सेंटेंस बनाए थे, और उस समय हमारे जो एक्टिव सेंटेंसेस हमने बनाए थे उन्हें किस तरह से हमने टेंस के सूत्र उनके रूल्स को यूज किया था, हमने यूज किया थे हमारे पैटर्न को, हमारे बोलचाल में भी किस तरह से हमारे पेशियो सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। जब हमने सिंपल फ्यूचर को हमने बनाए थे हमारे पेशियो सेंटेंसेस में, हमें जो वर्ब मिलता है विल, हमारा सहायक क्रिया के रूप में जब हमें मिलता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में, उन्हें विल बी के साथ में परिवर्तन करना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और हमने ये भी डिटेल से देखा था कि शैल का यूज आज के समय में किस तरह से नहीं होता है, और विल के ही प्रयोग ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं हमारे न्यूज़पेपर में, हमारे स्टोरी में, हमारे आर्टिकल्स में, तो हमने विल के ही प्रयोग ज्यादातर हमारे वीडियोज में पेसिव और एक्टिव सेंटेंसेस में किए थे। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश में बनाए जाते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश जो हम भारत में ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं उन पैटर्न के साथ में उनकी ग्रामर में नहीं बनाया जाता है, हम पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश और उस ग्रामर में पेसिव सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाया जाता, तो वो अमेरिकन इंग्लिश के लोग अमेरिका में किस तरह से बनाते हैं, जो अमेरिकन इंग्लिश पढ़ते हैं वो लोग किस तरह से बनाते हैं, उस रोल को भी हमने देखा है हमारे इस वीडियो में। और चलते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे, जहां पर विल हैव थर्ड फॉर्म हमें पहले से मिलते हैं, थर्ड फॉर्म के रूप में मेन वर्ब हमने उन्हें बनाया था, विल हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फॉर्म को किस तरह से यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने पिछले दो पेजेस में जो बनाए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और अभी इस समय आप देख रहे हैं फ्यूचर टेंस का रूल्स हमें किस तरह से बनाते हैं। तो हमने अमेरिकन इंग्लिश में बनने वाले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के पैटर्न भी देखा, लेकिन हम इंडिया में इस तरह के रूल्स नहीं बनाते हैं, तो हमारे यहाँ पर फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट के टेंस ही बनाए जाते हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, आप इन्हें फिर से एक बार देख लीजिएगा। आपने अगर हमारे सारे वीडियोस पेशियो बनाने के देखे हैं तो वहाँ पर आप सारे नियम पहले से डिटेल से पढ़ चुके हैं। चलिए हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर जो हमारे रूल्स होंगे, जो हमारे फॉर्मूले होंगे, वो हमने किस तरह से यूज किए हैं हमारे मॉडल के साथ में, जब हमने बनाए हैं हमारे पेशियो सेंटेंसेस, एक्टिव सेंटेंसेस में आने वाले किसी भी मॉडल को किस तरह से बदला जाता है, किस तरह से उन्हें पेशियो में परिवर्तन किया जाता है, किस तरह से पेशियो के फॉर्मेट में उन्हें लिया जाता है। तो जब हमने मॉडल के सेंटेंसेस देखे थे, जब हमने मॉडल के सेंटेंसेस बनाए थे और वहां पर किसी भी प्रकार के मॉडल को हमने उनकी लिस्ट देखी थी, मॉडल में आने वाले सारे सेंटेंसेस देखे थे, तो मॉडल के साथ जब हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है उन्हें मॉडल, उसी मॉडल को यूज करना होता है, और उस मॉडल के बाद बी लगा करके आने वाले मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में हम बदलते हैं। उस तरह के हमने पेशियो सेंटेंसेस देखे हैं। उसके बाद जब हमने बनाए थे परफेक्ट टेंस में आने वाले मॉडल को, परफेक्ट टेंस में यूज होने वाले किसी भी मॉडल को हमने यूज किया था हमारे सेंटेंसेस में, मॉडल में आने वाले किसी भी मॉडल के साथ हैव, जो परफेक्ट टेंस में आने वाला कोई भी मॉडल हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आने वाला मॉडल हो सकता है, पास्ट परफेक्ट में आने वाला मॉडल हो सकता है, उसके हमने बनाए थे पेशियो सेंटेंसेस मॉडल हैव बीन थर्ड फॉर्म के साथ में, जो रूल्स हमने डिटेल से उनके वीडियोस पढ़े हैं, उनके सेंटेंसेस देखे हैं, लाइफ में भी उन्हें किस तरह से यूज किया जाता है वो भी हमने सीखा है। चलिए हम देखते हैं हमने मॉडल के सेंटेंसेस देखे, तो अब तक के जो हम सेंटेंसेस देख चुके हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में हमने सेंटेंसेस देखे, मॉडल में हमने दो तरीके से हमने बनाए थे, वहां पर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस के साथ में, और परफेक्ट में हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में मॉडल को यूज किया है, एक्टिव सेंटेंसेस में यूज किया है, पैसिव सेंटेंसेस में भी यूज किया है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, जहां पर हम देखेंगे अगले फॉर्मूले, अगले सूत्र के साथ में हमने पेशियो किस तरह से उन्हें बनाए हैं हमारे इस वीडियो में। आपने हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल के माध्यम से जब देखा है, हमने इन्फिनिटिव सेंटेंसेस के गोइंग टू से बनने वाले हमारे पेशियो सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं हमारे पेशियो में, किस तरह से एक्टिव से पेशियो में हमने उनके रूल्स परिवर्तन किए थे, टेंस के माध्यम से आने वाले जो हमारे डेली यूज के सूत्र होते हैं, हमारी बोलचाल में रोज प्रयोग होने वाले किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जहां पर इन्फिनिटिव सेंटेंस होते हैं, उन इन्फिनिटिव सेंटेंसेस को किस तरह से मिक्स टेंस में हमने सेंटेंस एक एक करके उनके फॉर्मूले बनाए थे, किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस में जो सहायक क्रिया यूज होती है, उसके बाद जो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है उसे किस तरह से हमने बनाए थे हमारे सेंटेंसेस में, वो हमने यूज किया था, हमारे टू बी के बाद थर्ड फॉर्म को जो हम किस तरह से यूज करते हैं वो हमने देखा था। हमने बनाए हैं पेशियो सेंटेंसेस गोइंग टू में, प्रेजेंट और पास्ट टेंस में होने वाले सहायक क्रिया इजेमार और वाज वर्ब के साथ, गोइंग टू जब हमें बोलचाल में भी बोलने को मिलता है, हमने उसके पेशियो में बनाए हैं, उनके परिवर्तन किए हैं उनको पेशियो में, गोइंग टू से ही किस तरह से हमने यूज किया है वो हम पहले इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब तक के
आपने सारे फॉर्मूले जो देखे, हमने इनके सेंटेंसेस को बहुत डिटेल से, बहुत ज्यादा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच, हर तरीके से उनके एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बनाने की विधि देखी है। और अगर उनको पैसिव में आपको दिया हो तो उन्हें एक्टिव में आप किस तरह से भी वापस परिवर्तन कर सकते हैं, वो भी आपको डिटेल से बताया गया है। इसके बाद जो हमने बनाए थे हमारे पैसिव सेंटेंसेस, हमारे जो सेंटेंसेस थे, हमारे जो यूज थे, अलग तरीके के जो कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनके फॉर्मूले बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जिनके सूत्र कुछ डिफरेंट होते हैं, उनके भी पैसिव सेंटेंसेस हमने किस तरह से बनाए थे, तो वो हमने देखा कि हमारे मिक्स टेंस हमारे साथ में किसी भी मेन वर्ब के साथ में पहले से एक प्रपोजिशन जुड़ा हुआ होता है, वो वर्ब के साथ पहले से ऐड होता है, उसे हटाना नहीं चाहिए। मतलब जो वर्ब के साथ पहले से कोई भी प्रपोजिशन आया है उसे पैसिव में किस तरह से नहीं हटाना चाहिए, उस पैसिव में आने वाले हम जो प्रपोजिशंस होते हैं उन्हें साथ में यूज करते हैं, उसके बाद ही हमें बाय का यूज करना होता है। वो प्रपोजिशन अगर हम हटा दें तो उनके अर्थ में किस तरह से बदलाव हो सकता है, वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने पढ़ा था हमारे ऐसे भी कुछ प्रपोजिशंस होते हैं जिन्हें हमें बाय नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो प्रपोजिशन बदल करके हमें अलग अलग प्रपोजिशन का प्रयोग सही वर्ब को देख करके करना चाहिए, लेकिन बाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस तरह से वर्ब बदलते जाएंगे हमारे एक्टिव सेंटेंसेस में, हमें पैसिव में भी अलग अलग सहायक क्रियाओं के जो सूत्र के साथ में, अलग अलग पैटर्न के साथ में, लेकिन हमें प्रपोजिशन बाय का यूज ना करके किसी और प्रपोजिशन का जो वहां पर सही होता है उसे हमने पैसिव के साथ में बनाने की विधि सीखी है। और हमने आखिर में जो बनाया था हमारे पैसिव सेंटेंसेस लेट से, हमने पैसिव सेंटेंसेस देखे थे रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, वार्निंग के आने वाले जो सूत्र होते हैं हमारे एक्टिव में, जो वो उन्हें हमने बनाए थे पैसिव में, लेट से बनने वाले पैसिव, किसी प्रकार का रिक्वेस्ट, एडवाइस, किसी प्रकार का ऑर्डर, किसी प्रकार की चेतावनी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके हमने पैसिव बनाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सारे पैसिव हमने देख चुके हैं, हमने किए हैं अब तक के जो हमने देखे हैं, यहाँ तक फॉर्मूले पूरे 15 नियम को हमने पैसिव में बनाए हैं। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का जो अलग से हमने सूत्र को, अमेरिकन विधि को भी हमने इस वीडियो में उनके पैसिव सेंटेंसेस देखे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सारे सेंटेंसेस को हमने डिटेल से देखा है। अब भी आपने जो पूरे रूल्स देखे हैं उन्हें आप फिर से एक बार हमारे इस वीडियो को रिस्टार्ट करके देख सकते हैं, फिर से रिस्टार्ट करके लिख सकते हैं, और उन्हें हमने किस तरह से यूज करना है, किस तरह से उन्हें परिवर्तन करना है, ताकि जब आप रिवीजन करें, एग्जाम्स दें, तो आपको किस तरह से उसका फायदा मिल सकता है। हम अगले वीडियोस के साथ में करेंगे हमारे वॉइस के मिक्स सेंटेंसेस के रिवीजन सेंटेंसेस देंगे आपको, हम देखेंगे रिवीजन सेंटेंसेस किस तरह से होते हैं, एग्जाम्स में आप किस तरह से कर पाएंगे, सारे सेंटेंसेस को एक एक करके हम पूरे प्रेजेंट से लेकर के आने वाले जो आपने पिछले सारे 15 रूल्स को देखे उन्हें कहीं भी हम यूज करने की एक पैटर्न को देखेंगे आप, ताकि उन्हें एक साथ समझ सके, एक साथ देख पाए, एग्जाम्स में बेहतर ढंग से नंबर ले पाए। कीप वॉचिंग सराउंडिंग विद गुरु, स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड कमेंट, प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियो, शेयर योर नॉलेज विद अस, मेक योर ग्रुप लार्जर एंड बेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।